बाइक नहीं ओटर है एक बाइक नहीं ओटर है ग्राउंड के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, प्लीज कोई मोबाइल लेकर मैच नहीं खेलेगा। हेलो हेलो, वसीटा प्रीमियर लीग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और शुरुआत होने जा रही है दूसरे संस्करण की, दूसरे सीजन की। आरवी कंपनी, श्री रवि सेठ चाचू वसीटा, श्री उमेश वसीटा, और नाम भी कितना प्यारा है। रबी एंड कंपनी,
वसीटा प्रीमियर लीग। द्वारा आयोजित ये श्री रवि सेठ चाचू वसीटा व श्री उमेश पाटिल, उमेश वसीटा माफ कीजिएगा, इनके सौजन्य से यहाँ पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका कि ये दूसरा सीजन है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो
और पहली गेंद पे यहाँ पर सिक्स आता हुआ, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी किया है, पहली गेंद पे छह रन जड़ दिया है। दूसरी गेंद सामना करते हुए इस बार नो बॉल का इशारा खेल दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ, नो बॉल का इशारा, यानी कि यहाँ पे एक रन दौड़ करके मिले और एक रन और टीम के खाते में जुड़ जाएंगे, जो नियम होता है यही होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ नियम अलग होते हैं तो उससे आप लोग जरूर अवगत कराने की कोशिश करिएगा। नो बॉल का फिर इशारा, दोहरा आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज। वसीटा प्रीमियर लीग सीजन टू का यह मुकाबला चलता हुआ, बल्लेबाज कर्शन और उनके सामने गेंदबाज रामो, इस बार गेंद को उठा करके खेला है ऊंचा लंबा और छह रनों के लिए। होती हुई और रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 16 पे, वाइड का इशारा आता हुआ, एक रन और टीम के खाते में जुड़ जाएंगे। निर्धारित चार ओवरों का यह मुकाबला, आरवी कंपनी श्रीमान रवि सेठ चाचू के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और दोस्तों रवि का मतलब क्या होता है, रवि का मतलब होता है दिनकर, रवि का मतलब होता है दिवाकर, चार रनों का इधर इशारा आता हुआ, रवि का मतलब होता है भास्कर, रवि का मतलब होता है आदित्य, रवि का मतलब होता है प्रभाकर, जिसे दिनेश भी कहा जाता है, जिसे सूरज भी कहा जाता है। सूरज की किरणें जरूर यहां पर धूमिल हुई हैं, लेकिन दुधिया प्रकाश में भी ये रवि अपनी चमक को बिल्कुल बरकरार रखे हुए तब ये टूर्नामेंट आज यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस समय थोड़ा सा हमारे स्कोरर समय लेंगे, 23 एक ओवर की समाप्ति के बाद 23। अपनी अपनी टीम को लोग सपोर्ट करने के लिए यहां पर भारी संख्या में बिल्कुल जमे हुए, और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय कुणाल और उनके सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज विशाल, कुणाल के सामने विशाल, जिस प्रकार से गेंद उनके हाथ में है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हो गई, अभिषम के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, खेल दिया था आप साइड में एक रनों के लिए, रन संख्या एक रन के साथ पहुंच चुकी है 24 पे। ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, लेकिन बाल बाल बचे, बहुत चतुर विकेट कीपर, नजरे हटी की दुर्घटना घटी, बल्लेबाज को कहीं ना कहीं आगाह किया कि आप क्या एक दायरा है, आपकी एक सीमा है, अगर उसे आप लांघते हैं, लेकिन बल्लेबाज भी कहां कम, बहुत खूबसूरत शॉट छह रनों के लिए। उसी साइड में सिंगल मिल जाएगा, तो अभी तक अच्छी शुरुआत हुई है। इस बीच फिर गेंद को खेला, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल खूबसूरत फील्डिंग, एक हाथ से गेंद को वहां पर गैदर किया गया, वापस किया गया, 4KDN की ये टीम है, और शुरुआत जबरदस्त हुई है, पहले ओवर से ही 23 रन आ गए थे, और अभी तक स्कोर को देखा जाए तो लगभग 33 के ऊपर का स्कोर। कप्तान कर्शन, नाम कर्शन लेकिन बल्लेबाजी में क्या गजब का आकर्षण, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार कारपेट के सहारे खेला, मिडॉन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। ये जो पहला मुकाबला चल रहा है 4KDN वर्सेस, उनके सामने टीम है आर्यन 11 की, दो ओवर की समाप्ति 36, दो ओवर की समाप्ति के बाद 36, यानी कि पहले ओवर से जब 23 रन आए थे तो इस ओवर से भी 13 रन आए, कुल मिलाकर के अच्छा ओवर कहा जाएगा यहां पर करण का। अब तो कैप्टन यही कह रहे होंगे कि मेरे करण कब आएंगे, लेकिन चार ओवरों का मुकाबला तो आप दोबारा नहीं आ सकते। एक बार फिर राधे कर्शन ने गेंद को खेला, मिस फील्ड, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ, दो रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 38 पे। राधे
राधे और सामने विशाल। बिल्कुल स्टंप पर गेंद टकराई थी लेकिन आसानी के साथ। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं कर्शन जो कि टीम के कैप्टन हैं, अभी तक बहुत अच्छी पारी खेले। इस बार पुल टच बना करके गेंद को खेला है और रूल है आउट का। जी हाँ, सफलता मिली है यहां पर राधे को। और वैसे कहते भी हैं कि राधे राधे जब वो तो चले आएंगे मुरारी, बिल्कुल जैसे मुरारी के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में वंशी सुशोभित होती थी, अच्छी लगती थी, वैसे इनके हाथ में गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। पहला ओवर बहुत भारी था, 23 रन आए, दूसरे ओवर में 13 रन आए, थोड़ा अंकुश लगाया था करण ने, लेकिन अब राधे एक सफलता ले चुके हैं और वो भी बहुत बड़ा विकेट था पोर केडियन के कैप्टन कर्शन का। नए बल्लेबाज कमल कमल नानी स्ट्राइकर एंड पे हैं। इस बार गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा लेकिन क्या सिंगल डबल में तब्दील होगा? जी नहीं, कोशिश तो यही थी कि सिंगल को डबल में तब्दील कर लिया जाए, लेकिन इस ओवर में अगर आप देखें तो केवल 4 रन। बड़े ही कंजूस हैं, नहीं नहीं गेंदबाज हैं कंजूस, कहा तो गुस्से से देख रहे थे मेरी तरफ। मैंने कहा जी नहीं आपके दोस्त कर रहे हैं, लेकिन इस बार शायद नजर लग गई। सर नींबू मिर्ची लटका देना। ओवर 46 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 46, इस ओवर से 10 रन आए। आखिरी गेंद पे अगर वो सिक्स को निकाल दिया जाए तो ओवर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर कुणाल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ अच्छा था, लेकिन सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 3.1 ओवर में 47 पे। After 3.1 over, score is 47, loss of 1 wicket. No ball का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक रन के साथ 48 हुआ स्कोर, लेकिन 48 पे कहां रुकने वाला, इसी के साथ 50 पूरा हुआ स्कोर। करते हुए इस समय कमल दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, साथी खिलाड़ी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया आउट होकर के आना। नए बल्लेबाज रोहित विशाल, जबकि अभी भी स्ट्राइकर एंड पे हैं और वोल्टेज बना करके गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। रोहित होंगे अब स्ट्राइकर एंड पे। रोहित किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, एक रोहित हैं जिन्हें की 20 के बाद वनडे की कप्तानी भी मिल चुकी है, यहां पे सिंगल मिलता हुआ। आखिरी गेंद होगी संभवतः इस ओवर की। एक बार फिर हके निकले, खेलने की कोशिश किया था, बीट हुए आउट होकर के।
दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण कुछ पलों के लिए यह मुकाबला अभी रुका हुआ है। दुधिया प्रकाश यानी कि कृत्रिम रोशनी में यह मुकाबला खेला जा रहा है और अंपायर अब मैच स्टार्ट करें। खिलाड़ी और अंपायर दोनों की ड्रेस एक जैसी नजर आ रही है तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन स्ट्राइक एंड पर इस समय बल्लेबाज रामू। पहली गेंद व्हाइट का इशारा था, वाले स्टंप के बाहर की गेंद थी। आगे निकले, खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है मिडॉन के क्षेत्र में, गेंद उनके बगल से निकली। बहुत खूबसूरत शॉट था, लेकिन फील्डर थोड़े से नर्वस जरूर होंगे, लेकिन जोर देना चाहिए आपसे जो गलतियां हुई, क्योंकि अगर गलतियों को सोचेंगे तो फिर गलती सुधारने के मौके कहां मिलने वाले। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद दूसरी गेंद पे बाउंड्री आती हुई, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए समय फोर के डीएन के कैप्टन एक बार फिर आगे निकले, गेंद को उठा करके खेला है। इस बार गेंद जब तक आती तरफ से टकराती तब तक आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज नरेश और उनके सामने गेंदबाज कमल, नाम कितना प्यारा है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बिल्कुल नीची रहती हुई, समझ भी नहीं आया बल्लेबाज को, लाइन मिस किए, डॉट गेंद होती हुई। कमल के सामने नरेश, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन सिंगल ही केवल मिलेगा। नरेश यानी कि नर का जो ईश होता है उसे नरेश कहा जाता है, राजा जिसे कहा जाता है नरेश। और उनके सामने गेंदबाज कौन, जिनको आप अरविंद कह लीजिए, जलज कह लीजिए, पंकज कह लीजिए, अंबुज कह लीजिए, तोयच कह लीजिए, यानी कि कमल जिनको कहा जाता है। तो दोनों के बीच का यह जबरदस्त मुकाबला होता हुआ, लेकिन 58 रनों का लक्ष्य अगर आपको पाना है तो निश्चित रूप से हर ओवर में कुछ सिक्स या बाउंड्री आनी चाहिए। एक बाउंड्री तो आई है, लेकिन ये क्या दूसरी बाउंड्री, जी नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, फील्डर का नाम तो नहीं पता लेकिन बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, सोनू, थैंक यू सर। और ये पहला ओवर यहां पे समाप्त हुआ, हमारे स्कोर थोड़ा सा समय लेंगे, 9 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 बिना किसी शत के। जब 4K डीएन की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी थी तो एक ओवर की समाप्ति पर उनका स्कोर था 23 रन। दूसरे मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाएं, जिन टीमों के बीच मुकाबला है, नो बॉल का इशारा आता हुआ। नीनी 11 और एसपीसीसी के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। और इस बीच हवा में गेंद को खेला है, सिंगल ही यहां पर मिलेगा। अभी तक बहुत बड़ा कोई ओवर नहीं हुआ है, दूसरे ओवर की शुरुआत भी हो गई है। नहीं नहीं 11 और एसएसपी 11 के कैप्टन आज टॉस के लिए, नो बॉल का इशारा होता हुआ। एसपीसीसी माफ कीजिएगा, नहीं नहीं 11 और एसपीसीसी के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। इस बीच फिर गेंद को खेला मिडॉन के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। उसी कोशिश में लगे हुए बल्लेबाज, रन आउट का खतरा था लेकिन सुरक्षित, दो रन कंप्लीट हुए। तो अभी तक शुरुआत जो चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि दो ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बना चुकी थी 4KDNS की टीम, लेकिन अभी यहां पे पहले ओवर से 9 रन आए, इस ओवर से अभी तक 2-3 रन ही आए, लेकिन इस बार नो बॉल का इशारा। एसबीसीसी के कैप्टन
दिनेश वसीटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आ जाएं टॉस के लिए। और इसी बीच 6 रन आता हुआ तीन गेंद में लगभग 12 रन आ चुके हैं। और ऐसे ही अगर ओवर आएंगे तो अयान 11 के लिए जीत की राह जो है वो आसान होगी। लेकिन 4KTN की तरफ से अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है, बल्लेबाजी तो जबरदस्त हुई थी, खास करके कैप्टन कर्शन की बल्लेबाजी को देखा आपने कि किस प्रकार से बल्लेबाजी किए। नो बॉल का इशारा, गेंद जाके स्टंप पे जरूर टकराई। और यही एक डिमांड होती है कि जैसे ही अंपायर की नो की कॉल होती है आपको टूट पड़ना चाहिए, जैसे कभी कभी बहुत आप भूखे रहते हैं और उस समय यह दिखता नहीं कि स्वाद कैसा है क्या है, पेट भरने के बाद फिर नजर आता है कि नमक थोड़ा सा कम था। वैसे ही आपको अगर नो बॉल है तो उस पर फायदा उठाना होगा। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। माफ कीजिएगा, और SNCC ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। इस समय 32 रन हुआ है स्कोर, इस ओवर से 23 रन आए। देखिए जब ग्यारह गेंद और 25 रनों की आवश्यकता। सिंगल यहां पे मिलता हुआ, जितने रन मिलेंगे इस ओवर में उतना ही फायदा होने वाला है अयान 11 की टीम को, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर बहुत ज्यादा रन बचेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज इस बार लेग स्टंप के बाहर के गेंद, लेकिन उससे पहले ये गेंद लाइन को क्रॉस नहीं की थी, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। दस गेंद और 23 रन, 10 गेंदों पे 23 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें रामू के लिए गेंद, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला लेकिन सिंगल मिलेगा। बड़े स्मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई थी, फील्डर थे उनके पैर से गेंद टकराई थी, वापस आई। तो अभी तक कुल मिलाकर के यहां पर अच्छी गेंदबाजी कमल के द्वारा, कमल बिल्कुल कमल की तरह खेलते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। लेकिन इस बार खूबसूरत शॉट लेकिन उससे जबरदस्त फील्डिंग, अंपायर के सारे की प्रतीक्षा और क्या ये 6 रन। एक रन यहां पर मिलता हुआ। एक बार हमारे स्कोरर चौवालीस रन अभी तक हुए हैं, 44 इज द स्कोर।
एट द प्रोग्रेस ऑफ थर्ड ओवर बाय कमल, और ये अच्छा कैच। स्कोर 43, 6 गेंद और 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए अयान 11 की टीम को। क्या 4 के डीएनएस के गेंदबाज इस विजय रथ को, इस विजय अभियान को यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि पहला मुकाबला चल रहा है इस समय वसीटा प्रीमियर लीग 2021 सीजन 2 का। पहले बैटिंग करते हुए 4 के डीएनएस की टीम ने 57 रन बनाए, जवाब में 58 का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। छह पे 15, यस सर, 6 गेंद 15 रन। अब तो कयास लगाए जा रहे हैं, अब तो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अयान 11 वर्सेस 4 के डीएनएस, नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर एंड पे अक्षय और उनके सामने गेंदबाज विशाल। 6 पे 15, पहली गेंद कॉटन बॉल, लेकिन अभी भी काम पूरे नहीं हुए हैं, ना पूरे हुए हैं वादे, क्योंकि अभी भी 5 पे 15। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, 5 गेंद, अभी भी 14 रनों की आवश्यकता, और राधे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बना सकते हैं, उसी कोशिश में लगे। वेबे फील्ड किसी बार खाके मार जाते हुए 4 रनों के लिए, क्या खूबसूरत शॉट था ये। को उठा करके खेला है, सिंगल यहां पे मिलेंगे, नो बॉल का भी इशारा हुआ है, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा, क्या रन आउट हुए या नहीं, जी नहीं, नो प्लस 2, यानी कि टोटल ऐड होंगे 3 रन इस समय टीम के खाते में, और अभी भी 4 गेंद और 7 रनों की आवश्यकता, 4 गेंद पर 7 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, और सामने इस समय बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर राधे, उनके सामने गेंदबाज विशाल, 4 में 7। इस बीच फिर गेंद को खेला है उसी क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा लेकिन अपने ही जाल में, पर से रन आउट होकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और रन आउट होकर के वापस जाते हुए राधे। तीन गेंद पे 6 रनों की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये तेज रन बनाने के चक्कर में पड़ते हैं या मैच को नजदीक लेके जीतने की कोशिश करते हैं। न्यू बैट्समैन गौतम, जबकि स्ट्राइक पे अभी भी नरेश, जो कि ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए हैं। 3 पे 6 बनेंगे कि नहीं, 3 गेंदे 6 रन, 6 रन 3 गेंदे। इस बार ये गेंद हवा में थी, सिंगल डबल की मांग जरूर होगी, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, दूसरा रन पूरा होता हुआ,
दो गेंदें और चार रनों की आवश्यकता। अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस समय अयान 11 वर्सेस 4 के डीएनएस के बीच में। दो पे चार। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा 2 मिनट बाद समाचार। सर आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? बैटिंग वाली बहुत फॉर्म में लग रही है, शायद मार सकती है। बिल्कुल, और आपको क्या लग रहा है? बैटिंग की टीम। क्या 2 पे 4 बन जाएंगे? अभी भी गेंदबाज को हौसला नहीं हारना चाहिए, आखिरी दम तक मैच में प्रयास करना चाहिए। लेकिन बल्लेबाज भी कम नहीं, इतना अच्छा अगर उन्होंने खेला है तो दिमाग में एक ही चीज कि 2 पे 4 कैसे भी बनाने हैं। नरेश तैयार होते हुए एक बार फिर, बहुत ही अच्छी गेंद। मैं इसी की बात कर रहा था कि ये मैच है। फील्ड में तब्दीली लगती हुई, देखिए ये 4 के डीएन की टीम है, जबरदस्त वापसी होती हुई। शायद ये कैप्टन नाम जिनका वाइस कैप्टन, देखिए काफी एक्टिव है विराट कोहली, कभी कभी जब चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में तो रोहित शर्मा संभालते हैं। अब लेकिन जो सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे नहीं, 20 और वनडे दोनों में तो अब रोहित शर्मा आ चुके हैं, लेकिन यहां पे मुकाबला दिलचस्प, क्योंकि 1 पे 4 किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा अब कुछ देर के बाद समाचार। क्या बन सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी चीज है, बनाना है तो बड़ा शॉट लगाना होगा, हवा में खेलना होगा, लेकिन इतना ही खेलना होगा कि वो गेंद बाउंड्री के बाहर जाए। इस बीच गेंद को खेला जरूर है और 4 रन मैच पलट दिया यहां पे, जबरदस्त बल्लेबाजी नरेश।